हाय हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे आप? चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम पास किए। तो ठीक है, देखते रहिए वीडियो और हाँ, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और घंटी बजाकर अपने भाई को सपोर्ट कीजिए। ठीक है, तो आज मैं आपको टॉप लेवल के प्रोडक्शन के बारे में बताने वाला हूँ, टीवी सीरियल वेब सीरीज और फिल्म्स। तो ठीक है, सुनते रहिए, तो शुरू करते हैं अपने सीधा अपने टॉपिक पे आते हैं, अपने मुद्दे पे। चलिए ये रिलिस्ट, ठीक है, नंबर वन पे जो है वो है बालाजी टेलीफिल्म्स। इनके जो ऑनर है वो है जितेंद्र जी, और अभी रिसेंटली में ये प्रोडक्शन चला रही है उनकी बेटी एकता कपूर और शोभा कपूर। इनका जो फेमस टीवी सीरियल है वो है नागिन। तो इन्होंने बहुत सारे फिल्में प्रोड्यूस किए हैं और वेब सीरीज बनाते हैं, और टीवी सीरियल तो इनके लगभग 10-15 एनी टाइम चलते ही रहता है। ठीक है, तो नंबर टू पे जो है वो है जय मेहता प्रोडक्शंस। इनके जो ऑनर है वो है जय मेहता साहब और किन्नरी मैडम, किन्नरी मेहता। ठीक है, इनका जो फेमस सीरियल था वो है रहे तेरा आशीर्वाद, तो ये भी टॉप प्रोडक्शन है। नंबर तीन पे जो है वो है रश्मि शर्मा टेलीफिल्म्स। इनका जो फेमस सीरियल है वो है ससुराल सिमर का। इनके जो ऑनर है वो खुद रश्मि मैडम है। ठीक है, तो नंबर चार पे जो है वो है शशि सुमित प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड। इनके जो ऑनर है वो है सुमित मित्तल और शशि मित्तल। इनका जो फेमस सीरियल था वो है दिया और बाती, आप सबने देखा ही होगा। ठीक है, तो नंबर पाँच में जो है वो है बियॉन्ड ड्रीम्स एंटरटेनमेंट। इनके जो ऑनर है वो यश पटनायक और ममता पटनायक। इनका जो फेमस सीरियल था पहले था, अभी तो नहीं है, अभी तो बंद हो चुका है, वो था साड्डा हक। और नंबर छः पे है डायरेक्टर कट प्रोडक्शंस। इनका फिर फेमस सीरियल था, एक था विदाई और ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये तो अभी भी चल रहा है, बहुत बहुत लंबा सीरियल है। इनके जो ऑनर्स थे वो है, उनका नाम है पार्थला। ठीक है, नंबर सात पे है क्वांटिलियो पिक्चर्स। इनके जो ऑनर का नाम है वो है अभिमन्यु सिंह। इनका जो अभी फेमस सीरियल रिसेंटली चल रहा है वो है तेनाली रामा। नंबर आठ पे है स्वस्तिक प्रोडक्शंस। इनके जो ऑनर है सिद्धार्थ कुमार और फाउंडर भी यही है। इनका फेमस सीरियल है राधा कृष्णा, जो अभी भी चल रहा है। नंबर नौ पे है फायरवर्क्स प्रोडक्शन। इनके ऑनर है बीपी सिंह और इनका एक फेमस सीरियल है, बहुत पुराना सीरियल है, वो है सीआईडी, और आज भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं। ठीक है, और नंबर दस में जो है वो है बुद्धि ट्री प्रोडक्शंस। नाम नहीं दिख रहा यार, सुखेश मोतवानी इनके ऑनर का नाम है, और इनका जो सीरियल था फियर फाइल्स करके, जो भूत का सीरियल आता है वो है। ठीक है, नंबर 11 पे है फोर लाइन्स प्रोडक्शंस। इसके जो ऑनर है वो गुल खान है, और इनका जो सीरियल था वो फेमस अभी शायद नहीं है, उसका नाम था नज़र। नंबर 12 पे है नीला टेलीफिल्म्स। इनके जो ऑनर्स है वो है आशित कुमार मोदी, और इनका फेमस सीरियल है वो सबको पता है, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, वो सब लोग देखते हैं। ठीक है, चलिए नंबर 16 पे है एसएल रीजन प्रोडक्शंस। इनका जो सीरियल था वो डांस इंडिया डांस, आपको मालूम है। और नंबर 17 पे है गरिमा पिक्चर्स। इनका जो पहले एक सीरियल आया था चिड़िया घर करके, वो ठीक ठाक चला था, और आगे बात करते हैं। नंबर 18 पे है शाकुंतलम टेलीफिल्म्स। इसका एक सीरियल था बनू मैं तेरी दुल्हन। इसके ऑनर्स थे वो श्याम आशीष भट्टाचार्य।
फिर नेक्स्ट है राजश्री प्रोडक्शन, इनका जो एक सीरियल था वो रहने वाली महलों की, बहुत बहुत चला था ये सीरियल। इनके जो फाउंडर थे वो है ताराचंद बड़जात्या। और नेक्स्ट है ऑप्टिमाइजेटिक्स प्रोडक्शंस, इनका जो फेमस सीरियल है वो सब देखते हैं, ये है क्राइम पेट्रोल। इनके जो ऑनर्स है वो है विपुल शाह। फिर आता है पेनिनसुला प्रोडक्शंस, इनका जो एक सीरियल है वो अलादीन कर गया है, जो सब टीवी पे आता है आपको मालूम है वो। इनके जो ऑनर्स है वो आलिन श्रीवास्तव है और निशांत परवेज है। और नंबर नहीं है बट नेक्स्ट है मुकेश छाबरा कास्टिंग कंपनी, ये कोई प्रोडक्शन नहीं है, ये कास्टिंग एजेंसी कंपनी है। तो इन्होंने बड़ी बड़ी फिल्मों में कास्टिंग की है, जैसे दंगल है और भी बहुत सारी फिल्में हैं। तो यहाँ जाके आप अपना इंट्रो ऑडिशन वगैरह रिकॉर्ड करवा सकते हैं, और कभी आपके लायक कोई रिक्वायरमेंट हुई, आप किसी कैरेक्टर में अगर फिट हुए हैं तो ये आपको कॉल करके बुला सकते हैं। यहाँ पे कास्टिंग एजेंसी में आप जाएंगे तो मतलब भीड़ में लाइन लगा के लोग खड़े रहते हैं सिर्फ इंट्रो देने के लिए, तो आप ट्राई कर सकते हैं। और ये सब के सब मतलब जेन्युइन प्रोडक्शन है, यहाँ आपको पैसे देने पड़ेंगे। तो ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।